हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गर्मी है बाहर। नमस्ते मैडम, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैडम आई चलिए अंदर। या It's beautiful. पसंद आया ना मैडम? मैं चाहता हूँ आप इसे जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, कहीं और भी पार्टीज है इस बंगले के लिए, कहीं हाथ से ना निकल जाए। It's beautiful. अंजलि, राहुल, हाय, राहुल, लुक एट दिस बंगलो, आई लव दिस प्लेस, इजंट इट गॉर्जियस? हाँ, अच्छा है, कितने का है? अरे आपके लिए कुछ नहीं है सर, सिर्फ 30 करोड़ रुपए। व्हाट? 30 करोड़? काफी महंगा है। अंजलि, इतना महंगा बंगलो खरीदने की क्या जरूरत है? अरे सर, मैं मकान मालिक से बात करता हूँ, कुछ कम हो जाएगा? नहीं नहीं, काफी महंगा है, बात करने की कोई जरूरत नहीं। राहुल, तुम्हारे लिए 30 करोड़ क्या बड़ी बात है? Come on. नहीं, मैं नहीं खरीदा ऐसा। एंड स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें एक फ्लैट तो लेके दिया हुआ ही है। यू आर राइट, दैट 2 BHK रेंटेड अपार्टमेंट, मुझे वहां नहीं रहना है। राहुल क्यों? अब वैसे भी तुम्हारे अकेले के रहने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए, और वहां का भाड़ा तो मैं भर ही रहा हूं। आई लाइक दिस बंगलो, सो आई लाइक दिस बंगलो, और तुम मेरे लिए खरीद रहे हो, राइट? नहीं, एंड आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। अब चलो यहां से। मैडम, सर तो चले गए। आप पेपर्स रेडी करवाइए, मैं देखती हूँ ये बंगला किसे नहीं खरीदता। कनिका, 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 तुम पहले जल्दी से टीवी ऑन करो। क्या हुआ मीना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कनिका पहले टीवी ऑन करो। कल रात एक सुनसान इलाके में बम का धमाका हुआ है, जिसमें ये दोनों गाड़ियां बुरी तरह जल गई हैं। CID यहाँ पहुंच गई है और वो इस बम ब्लास्ट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इधर राहुल की गाड़ी है। हे भगवान, राहुल को क्या हो गया? CID वाले यहाँ पहले ही आ चुके हैं और घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। जैसे ही CID वाले किसी नतीजे पर पहुंचे, मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। मैं रोमा, कैमरामैन केतन के साथ ग्लोबल न्यूज से। तुमने देखा ना ये सब? जी सर। अब हमें बताओ तुमने एग्जैक्टली क्या देखा? क्या देखा?
ये दोनों जली हुई कार और ये मरे हुए आदमी। उसके बाद मैंने आप लोगों को फोन किया। बस सिर्फ इतना ही देखा तो? हाँ सर। और कुछ नहीं? नहीं सर। एक लाश कार की इस ड्राइविंग सीट पे और एक लाश कार की उस ड्राइविंग सीट पे, तीसरी लाश यहाँ सामने। समझ में नहीं आ रहा है सचिन, ये तीन लोग रात को जंगल में कर क्या रहे थे? कैसी मीटिंग हो रही थी इन तीनों के बीच में? हैं? दोनों गाड़ियों के चेसिंग नंबर तो मिले होंगे ना, किसकी गाड़ी है पता चल सकता है? नहीं सर, मेल्ट हो गए सर, इतनी पूरी तरह से पिघले हैं कि एक या दो ही नंबर दिखाई दे रहे हैं सर। अच्छा, राहुल, मशहूर बिजनेसमैन राहुल, आजा आजा सारुंगे, जल्दी आजा, लेट कर दिया तूने। अरे सॉरी यार, ट्रैफिक बहुत था। चल आजा, देख ली। ओह माय गॉड, बड़ा जोर का धमाका था। हाँ, इंजन पूरा का पूरा उड़ गया। तीन तीन लाशें भी हैं, लेकिन सारुंगे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। क्या? कि बॉम्ब अगर इस गाड़ी में लगा था तो ये गाड़ी, ये गाड़ी पूरी तरह से कैसे जल गई है? उस गाड़ी को तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ इसके हिसाब से, ये क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है लगता है मुझे। यार एक बात हो सकती है क्या? क्या? बॉम्ब इस गाड़ी के इंजन में था, ये गाड़ी इंजन के बिल्कुल पास थी, तो जैसे इंजन उड़ा ये गाड़ी ज्यादा जल गई। नहीं यार सारंगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो मैं अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। हाँ कर ले, देख ले। मयूर, लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। सर, खून के निशान। ऐसे लगता है कि किसी को यहां से घसीट के ले गया हो। देखो सर, लेडी सर, शायद यहाँ एक औरत भी थी। हाँ, अगर लेडी सैंडल है और वो भी खून से लथपथ, तो जरूर यहाँ कोई लड़की या औरत है। इस पेड़ पर भी खून लगा हुआ है, जो भी लड़की है, जो भी औरत है, उसे यहाँ किसी ने घसीट के लाया होगा, या फिर वो खुद यहां तक आ गई होगी और यहां बैठी होगी। ये खून देखो, लेकिन अगर वो यहां पर थी तो गायब कहां हो गई? राहुल, पीछे सर। मंच कौन है? सर ये सर सर सब सब मेरे राहुल की दोस्तों से। आप इस राहुल की दोस्त हैं? हाँ सर। सब अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ टाइम इनके साथ गुजार सकती हूँ। प्लीज। नहीं, प्रॉब्लम तो होगी, आपकी वजह से हम हमारा काम तो बंद नहीं कर सकते हैं ना। सर प्लीज, थोड़ी देर सर प्लीज, मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ प्लीज। आप राहुल की दोस्त हैं? यस। ओके, क्या कोई बात नहीं, इसे चेक कर लेते हैं। समता नहीं। हेलो श्रेया मैम, क्या
कहाँ? मुझे आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही। हाँ मैं फोरेंसिक लैब में हूँ, मैं आपसे बाहर जाके बात करता हूँ। ओके या एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो आप? कुछ 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 नहीं, इसलिए वक्त गुजारना था ना। नहीं, क्या छुपा रही हो? नहीं कुछ कुछ नहीं है। दे रही हो कि नहीं, कुछ दिखा रही हो कि नहीं? दे क्या है सर? क्या ये मैडम की करामत? ओह माय गॉड, ये मतलब आप इसके अंगूठे की छाप लेने के लिए आई थी? बड़े कलाकार निकले तुम तो। मैं बस अंगूठे का निशान लेना चाहती थी। मैंने खून नहीं किया। नहीं किया है? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया है। सर, हाँ ये देखिए सर, ये बाइक का टूटा हुआ इंडिकेटर और यहाँ इतना सारा खून गिरा हुआ है। मतलब यहाँ पर कोई था, बाइक पे ही था। आसपास ढूंढो, देखो बाइक मिलती है क्या। सर, सर बाइक कहीं नहीं। नहीं सर, बाइक तो आसपास कहीं भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बाइक भी गायब और जो भी था बाइक के साथ वो भी। सर ये इतना सारा खून गया तो जरूर चोट लगी होगी उसे। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल गया इलाज कराने बाइक लेके? सर हो सकता है उस बाइक वाले के साथ वो औरत भी बैठी हो जिसकी सैंडल हमें मिली। काम करो, यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी क्लिनिक्स डिस्पेंसरीज हैं, सब में जाकर के पूछताछ करो। राहुल, राहुल, ये कौन है? राहुल, मैम प्लीज, प्लीज, राहुल, टेक मी, मैम प्लीज, मेरा पति कहाँ है? प्लीज, प्लीज, राहुल कहाँ है? मेरा पति कहाँ है? मेरा राहुल, मुझे मेरे पति से अब भी मिलना है, मुझे वहाँ तक जाने दीजिए सर प्लीज। हम आपके पति से आपको जरूर मिलवाएंगे, लेकिन प्लीज शांत हो जाइए, धीरज रखिए। प्लीज मुझे मेरे पति से प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं, किसी डॉक्टर इंजार से बात हो सकती है? वो डॉक्टर वहां पे, उनसे बात कीजिए। नमस्ते। नमस्ते, आप तो पुलिस वाले लगते हैं। हाँ सही पहचाना आपने। कल रात आपके हॉस्पिटल में एक जलने का केस आया था क्या? दो लोग थे, जले हुए थे, खून निकल रहा था। रात को कोई इमरजेंसी केस आया था क्या? तुम तो रात को यही ड्यूटी पर थे ना? जी सर। दो आदमी थे और शायद उनके साथ एक औरत भी थी। नहीं सर, ऐसा तो कोई केस नहीं आया था। हाँ मामा, मेरे सामने भी कोई केस नहीं आया है। दोनों सच बोल रहे हो? और क्या, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? फिर ये तथा पापा क्यों हो रहा तुम्हारा? आप इनसे इस तरह से बात मत कीजिए। 10 मील दूर से पहचान लेते अगर कोई हमसे झूठ बोल रहा होता तो। आप हॉस्पिटल में हैं? झूठ बोलने वाला हॉस्पिटल में हो या बाहर, हमारे लिए एक बराबर है। बोल। अरे अब ये तोते की तरह बोलेगा। ये पुलिस केस है, मुझे पुलिस को फोन करना होगा। पुलिस को मत बताइएगा प्लीज मैम। लेकिन ये पुलिस केस है, हमें पुलिस को फोन करना होगा। आप रखिए, पुलिस को मत बताइएगा। उन दोनों के साथ कोई औरत थी? नहीं सर, उनके साथ कोई भी औरत नहीं थी। मैं तुम दोनों को 6 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। तुम दोनों ने हॉस्पिटल का नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं सर, सर।
आदमी एक मरे हुए आदमी की बॉडी को मोटरसाइकिल में बिठा के कैसे निकल गया? सर शायद वो औरत उसके पीछे बैठी होगी लाश पकड़ के। यह औरत नहीं आई, वो मोटरसाइकिल से नहीं ऑटो पे आया था, मैंने अपनी आंखों से उसे आते हुए देखा। अगर वो आदमी ऑटो में आया था तो फिर उसकी बाइक कहाँ गई? सर शायद बाइक उसने रास्ते में कहीं छोड़ दी। रास्ते में बाइक छोड़कर ऑटो ले लिया तो बाइक अभी भी रास्ते में कहीं होगी। सर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे प्लीज मेरे पति के पास ले चलिए प्लीज सर। कनिका जी, राहुल का पोस्टमार्टम चल रहा है, थोड़ा वक्त और लगेगा, उसके बाद हम आपको खुद वहां ले जाएंगे। आप ये बताइए कि जब राहुल घर से गया मीटिंग के लिए तब उसने आपसे कुछ कहा था कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने वाला है? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन वो दोपहर में टेंस थे, उन्होंने कबर्ड में से कुछ पेपर शीट्स लिए, सोफा बॉक्स में से 10 करोड़ रुपए निकाले, बैग में डाले और निकल गए। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि इतने सारे पैसे लेके वो कहाँ जा रहे हैं? पूछा था मैंने, उन्होंने कहा कि 30 करोड़ की लैंड की डील है, इसीलिए 10 करोड़ एडवांस देने जा रहे हैं। 30 करोड़ का जमीन का सौदा? हाँ सर। सर मैंने तो ये भी कहा था अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मीटिंग कैंसिल कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरी है, जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग घर आ जाएंगे। सर राहुल जमीन खरीदने जा रहे थे, उनकी मर्जी वो जमीन खरीदते या नहीं, इसमें पैसे लेने के लिए लोग घर पर कैसे आ जाएंगे? कनिका जी, हमें क्राइम सीन पर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं मगर वहाँ पैसा नहीं मिला। क्या? नहीं सर, वो तो 10 करोड़ रुपए घर से लेकर गए थे। तो फिर वो पैसे कहाँ गए? डॉक्यूमेंट्स किसी बंगले के हैं, ना कि जमीन के। क्या आपको इस बंगले के बारे में कुछ मालूम है? नहीं सर, राहुल के ऐसे किसी बंगले के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। कुछ एड्रेस या नाम तो दिख रहा है। हेलो रमेश, कहां पे? हाँ रमेश। सर आपने जैसी बाइक के लिए कहा था वैसी एक बाइक अंदर झाड़ियों में। अच्छा, गुड जॉब। थैंक यू सर। यहाँ पे भी खून लगा हुआ है। हाँ जरा खड़ी करो। ऐसा ही वाला इंडिकेटर यहाँ का गायब है। झाड़ियों में छुपा दी बाइक को और खुद गया रिक्शा से हॉस्पिटल। काम करते हैं, इस बाइक के नंबर से पता लगाते हैं कि है कौन ये, किसकी बाइक है। सर दिनेश जी, वो इंसान है जो उस बंगलों की डील करवाने वाले थे। हाँ सर, कल रात अंजलि मैम काफी देर तक मेरे साथ में ही थी। सर मैं राहुल से प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? प्यार करती इसलिए राहुल के मरने के बाद फोरेंसिक में उसके अंगूठे का निशान लेने चली गई थी। सर मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर सर राहुल मुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने वाला था और उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। कल रात तुम इस एजेंट से मिलने क्यों आई थी? सर राहुल ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे इन्हें देने के लिए, मैं बस वो ही देने आई थी यहाँ पे। यानी राहुल कल रात तुमसे मिला था, उसने वो 10 करोड़ रुपए तुम्हें दिए जो वो घर से लेकर निकला था? हाँ मैम, एक्चुअली राहुल ने मुझे फोन करके एक रेस्टोरेंट पे आने के लिए बोला, मैं बस वहीं पर गई थी उससे पैसे लेने के लिए। तुमसे मिलने के बाद वो सुनसान जगह किस मीटिंग के लिए गया था? हाँ राहुल कोई और बिजनेस करता था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने मुझे कभी बताया ही नहीं। उसने बस मुझे ये बोला कि उसे जरूरी काम है और उसे जल्दी है, और फिर वो चला गया। कोई और भी बिजनेस? उस सुनसान सी सड़क पे कुछ तो गलत हो रहा था जब वहां पे ब्लास्ट हुआ।
कोई इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? मुझे बताइए, मैं उसकी क्लास लेता हूँ। किसने की है ये बेवकूफी? मैंने की है। आप? सिर्फ आप ही कर सकते हैं सर। यस, सिर्फ मैं कर सकता हूँ ऐसी बेवकूफी, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ दया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर साहब, आप ही सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं। आप हमें भी बताएंगे क्या मिला आपको यहाँ पे? तारिका जी, हमें भी बताइए ना सारुंग के सर की खुशी का राज। सर आप प्लीज हमें एग्जैक्टली बताएंगे कि हुआ क्या? हुआ क्या बता तुम्हें तारिका? ये गाड़ी आधी ब्लास्ट में चली है, लेकिन आधी गाड़ी को किसी ने पेट्रोल डाल के जलाया है। लेकिन सर ऐसा कोई क्यों करेगा? क्यों करेगा दया, क्यों करेगा? शायद सबूत मिटाने के लिए। एग्जैक्टली ये गाड़ी है राहुल की गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुई। शायद उस वक्त इसके आगे जो गाड़ी थी वो आधी जल गई थी, और उसी वक्त इसके आसपास कुछ और लोग भी थे, उनमें वो बाइक वाला आदमी और वो औरत थी जिसे चोट लगी। शायद उन्हीं में से किसी ने पेट्रोल डाल के इसे फिर से जला दिया और वो लोग भाग गए वहां से। आजा चल, पता चल गया वो बाइक किसका है? सुनील, तो हमारा हीरो लाश को यहां पे लेके आया है। सर घर के बाहर तो जूतों की लाइन लगी हुई, मतलब घर में काफी लोग हैं। लगता है सबको पता चल गया कि यहाँ पे एक मौत हुई है। मतलब सर लाश घर में आ चुकी है। रोने धोने की आवाज तो आ रही है। अगर वो रास्ते में बाइक नहीं छोड़ता तो मैं पता नहीं चलता कि वो यहाँ रहता है। चलो अंदर आ जाइए। किसी के मैयत में अंदर आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं। वैसे हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या सीआईडी वाले आते हैं रोने के लिए? कभी कभी। आज क्यों? क्या आप राकेश को जानते थे? हाँ, अभी अभी पिछले एक दो दिनों से। राकेश का भाई कहाँ है? ओ, तो आप रोने धोने के लिए नहीं आए, बल्कि आप लोग हमें परेशान करने के लिए आए हैं। नहीं, हम लोग वो देखिए ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एक्सीडेंट हो गया मेरे बेटे का, वो मर गया। उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया था। मैं कोई मदद करता तो शायद बच जाता वो। अब इधर आए हो, अब क्या लेने आए यहाँ? देखिए, आप लोगों के घर में एक मौत हुई है और इस समय हमारा यहाँ ये बोलना ठीक नहीं है, बट सच ये है कि राकेश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था, वो बॉम्ब ब्लास्ट में मरा है। पर सुनील तो कुछ और कह रहा था, उसने हमसे झूठ क्यों बोला? अब ये तो सुनील ही बता सकता है। अब प्लीज जरा उसे बाहर बुलाइए, क्योंकि वही एक ऐसा गवाह है जो जानता है कि कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। शारदा, इन्हें अपना काम करने दो। जाइए। पूर्वी, निकल। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? आओ चलो, आओ चलो, आओ चलो। कल रात क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मुझे कुछ पता नहीं सर। मैं
राहुल सर के लिए काम करता हूँ। क्या काम कर रहे? क्या काम करते थे? मुगले ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। मेरा बेटा ड्रग्स बेचता था। जब लास्ट हुआ वहां लड़की थी? लड़की? कौन सी लड़की? कहां से आई? वहां लड़की थी। कौन थी वो लड़की? डॉक्टर साहब, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। आप नहीं जानते कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे डॉक्टर साहब। अगर हम लोगों ने इसका इलाज किया तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, हमारा अस्पताल बंद हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर साहब, बस एक बार मेहरबानी कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैडम मैडम, ये पुलिस केस है। ये औरत पूरी तरह से जल गई है और आप मुझे बता भी नहीं रही है ये कैसे जल गई है। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब सुनिए तो सही, प्लीज डॉक्टर साहब एक हेल्प कर दीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक जली हुई औरत आई है ना, वहाँ जाके आप डॉक्टर शेखर से बात कर लीजिए। ये हमें खबर मिली है कि यहाँ पे एक जली हुई औरत आई हॉस्पिटल में। हाँ आइए जल्दी बोलिए। देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं और उसी औरत की तलाश है हमें। मैं पुलिस को फोन करने वाला ही था। ओके, इस वक्त कहाँ है वो? यहाँ ही है कॉरिडोर में, आइए। सर वो औरत यहीं पे थी। तो कहाँ गई? कहाँ गई? वो व्हील चेयर पर बैठी थी जली हुई औरत, और एक लड़की उसे लेके आई थी। वैसे अब यहाँ पे वो एक लड़की को देखा जो व्हील चेयर पर बैठी थी? आपने देखा? नहीं। तो फिर कहाँ गई वो लड़की? सर लगता है लड़की 9-2-11 होगी यहाँ से। सर वो यहाँ अस्पताल में होगी, प्लीज ढूंढिए उसे। चलो देखो कहाँ है वो। जल्दी करो, गाड़ी ड्राइव करो, सीआईडी आ चुकी है। चल 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 चल, ड्राइव कार, ड्राइव कार। अरे अब इस कार को क्या हो गया? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही यार? ये क्या किया पंकज? ये लड़की हमें मरवाएगी। सर
वहाँ कोने में जाकर चाय पीते हैं, के साथ देखेंगे तो मार डालेंगे। क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? इसे कुछ हो जाता तो? रेडी पंकज? सर देखिए सर क्या कर रही है, कमाल, इसे ले जाओ जल्दी। जयवंती इतना गुस्सा ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भी और हम सबके लिए। चलो विनोद झूठ नहीं, सच बता क्यों मारा राहुल को? सर मेरे यकीन कीजिए सर, मैं राहुल को क्यों मारूंगा? सर अगर मुझे पता होता कि राहुल की कार में बॉम्ब है, वहां कोमल को लेकर जाता ही क्यों? तुम्हारी कार आधी तो बॉम्ब से चली और उसका पीछे का हिस्सा पेट्रोल से जलाया गया, क्यों जलाई तुमने अपनी कार? हाँ सर, हम ड्रग्स का धंधा करते थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत बच जाए, इसलिए जो भी इस सब बम से जलने से बच गया था वो मैंने पेट्रोल से चला दिया था। पूरी बात बताओ क्या हुआ वहां? सर मैं, सुनील और उसका भाई, हम लोग राहुल के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर उस दिन राहुल काफी देर से आया और आकर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठकर बात करने लगा। राहुल जेल की सारी डिटेल्स तुम्हारे पास हैं? हाँ, सारा जिम्मा तुम पर है, बी केयरफुल। श्योर, डोंट वरी। सुनील इस बार किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे 50 करोड़ का माल आ रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा एक कॉल आया। एक्सक्यूज मी, मैं अपने फोन को लेकर एक साइड चला गया, उधर सुनील भी किसी काम से अपनी बाइक के पास चला गया था। सर इतनी देर में बम फट गया और फिर क्या? सर और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल और उसका ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी के साथ जल गए थे। सुनील भी किसी तरह अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं फौरन दौड़कर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा क्योंकि पिछली सीट पर कोमल थी। मैं वहां गया, कोमल को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाला और एक पेड़ के सहारे खड़ा किया। उसके बाद सर मैंने अपनी पीए लीना को कॉल किया और एक कैन पेट्रोल के साथ वहां जल्दी आने को कहा। और लीना वहां पेट्रोल लेकर आई है? हाँ सर। उसके बाद सुनील अपने भाई को अपने साथ बाइक पर लेकर चला गया और मैंने लीना के साथ कोमल को हॉस्पिटल भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने पेट्रोल से गाड़ी को जला दिया और वहां से निकल गया। सर, सर राहुल की कार में बॉम्ब किसने लगाया होगा? समझ में नहीं आ रहा कब और कहां राहुल की कार में बॉम्ब फिट हुआ। राहुल तो घर से ही निकला था। विनोद, राहुल ने कुछ बताया तुम्हें कि उसे वहां पहुंचने में देर क्यों हुई? हाँ सर, उसने कहा था कि उसकी गाड़ी गैराज में गई है इंजन ऑयल के चेंज के लिए। राहुल की कार गैराज में गई थी? किस गैराज में? वो तो नहीं पता सर। सालू के साहब, इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे पता लगाएंगे आप? आज तक मैंने ही पता लगाया ना प्रेडी, तो इस बार भी मैं ही पता लगा लूंगा। सालू के, जल्दी कर समझे, और फ्रेडी चुप रहना, बिल्कुल चुप। ये देखो बॉस, CW car गैराज, राहुल की गाड़ी CW car गैराज में गई थी। मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? चल ये बता क्यों नहीं मालूम? मैं कैसे बताऊं क्यों नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम सर। देख बेटा, जब तक वो बताएगा नहीं तो ऐसे लटकता रहेगा, टांगे लंबी होती जाएगी जिराफ की तरह। नहीं नहीं सर,
सर मुझे जिराफ नहीं बनना सर, मुझे जिराफ नहीं बनना। जिराफ नहीं बनना? ठीक है बता दे, नहीं तो यहीं से सर के बल छोड़ दूंगा तुझे। नहीं नहीं सर, इससे छोड़ना मत सर, छोड़ना मत सर, सब मुझे नीचे उतारो, मैं बता रहा हूँ सर, बता, मैं बता रहा हूँ, बता 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 बता। गाड़ी में बम रखा क्या? हाँ, गाड़ी में बम मैंने लगाया था। चार लोगों की मौत हो गई और तुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? सब मुझे माफ कर दो सर। किसने कहा था गाड़ी में बम लगाने के लिए? राहुल सबका मैनेजर अक्सर आते रहता अपने साहब की गाड़ी बनाने के लिए। फिर उसने कहा ये पैसे ले ले, उस गाड़ी में बम फिट कर दे। मैंने कर दी। कोई भी तुझे बम लगाने के लिए कहेगा और तू कर देगा? सब मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अगर सीआईडी ऑफिसर नहीं होता ना तो मैं तुझे जान से मार देता। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। कुछ नहीं किया तो फिर हमें देखकर ये जांघे में क्यों भाग रहा था तू? सर सर मैं डर गया था सर, इसलिए। तेरे डर का इलाज भी है हमारे पास। सर मुझे छोड़ दो सर, सर मुझे कुछ मत कीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। किसी ने मुझे कहा था सर कि राहुल सर की गाड़ी में बम लगाने को। सब कुछ कर लिया तो अभी झूठ बोल रहा तो? नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं भला झूठ क्यों बोलूँ सर, मुझे क्या फायदा, मुझे कौन सी जायदाद मिलने वाली थी सर? तो फिर किसे मिलने वाली है जायदाद? अंदर क्या कर रहे हो? आउट। कौन हो तुम? अंजलि, अंजलि नाम है मेरा। किससे मिलने आई हो? तुमसे। मुझसे? लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती। कैसे? वो ऐसे चोर को तुम मेरे घर में घुसी हुई हो। तुम्हारा घर? ये मेरा घर है, निकलो यहां से। निकलोगी तो तुम यहां से, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूं। तुम कहीं पागल खाने से भाग कर तो नहीं आई हो? एक्चुअली ना बहुत जल्दी वहां तुम्हें जाने की जरूरत पड़ी। ये क्या है? देख लो। तुम्हारे पति ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पे करती है। ये कैसे हो सकता है? राहुल मिसत ऐसे कैसे कर सकता है? तुम फ्रॉड हो और ये विल झूठी है। आराम से यार, टूट जाएगा। फ्रॉड मैंने, फ्रॉड तुम। एक्चुअली तुम्हारा पति ना मुझसे प्यार करता था,
I hope you understand. सर अच्छा हो आप लोग आ गए सर। सर देखो ना ये क्या कह रही है, ये कह रही कि ये घर इसका है। सही तो कह रही है। सर आप लोग भी? हाँ, और आपके लिए हमारे पास एक और वसीयत है। निखिल वसीयत ले आओ। पवन तुम, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पवन जी जरा कहिए इनसे। कनिका मैडम ने मुझे मैकेनिक को पैसा देकर राहुल सर की कार में बम लगवाने को कहा था। पागल तो नहीं हो गए तुम? सर ये झूठ बोल रहा है, भला मैं ऐसे क्यों करूंगी। हाँ सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर। मैडम आप ऐसा मत कीजिए मैडम, वरना ये लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए मैडम। झूठे मक्कार, अपने गले की हड्डी मेरे गले डालना चाहता है। हाँ मैम मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैंने कुछ नहीं किया। सच बोलेगी या मुझे उगलवाना पड़ेगा? मुझे सच में कुछ नहीं मालूम है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ मैंने ही मारा है उसे, क्योंकि वो मुझे छोड़कर अंजलि के साथ रहना चाहता था और अपनी जायदाद में से मुझे एक मामूली हिस्सा देना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे। तुमने उसकी कार में बॉम्ब लगवाकर उसे मार डाला? हाँ मैंने पवन को पैसों का लालच दिया और उस मैकेनिक को भी खरीद लिया और दोनों मेरा काम करने के लिए तैयार हो गए। जिन पैसों के लिए तुमने ये सब किया वो पैसे अब तुम्हारे कभी नहीं हो सकते हैं। क्या फायदा हुआ ये सब करके हा? अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.